सरकारां दे मुताबिक 2% आबादी है केवल सिखां, केवल 2% सरकारां मुताबिक, ते कम 98% सिख करदे आ, सच्चाई वाले जमीर वाले ह्यूमन बीइंग। धर्म होर भी बहुत आ, मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, मैं खुद हिंदू हाँ, पर जो सिख धर्म विच रह के जीवन का मजा आउंदा जिसने सिखी नू नेड़ियों वेख्या होवे, जिसने सिखी नू पहचानिया होवे, जिसने सिंघां नू सिख कौम नू पहचानिया होवे, जानिया होवे, तां ही कोई तैयार हुंदा है अपनी कौम छड़न वास्ते ते अपने आप नूं सिख कहाण वास्ते। हिंद हकूमत जिना सिखां नूं 2% कह कह के अज तक तशद्दुद करदी आई है, यही 2% सिखां दीआं अज तक सब तों वध कुरबानियां रहीआं ने इस देश नूं आजाद कराण वास्ते, ते बाकी चाहे कोई खिता होवे हर फील्ड दे विच सिखां ने अपनी एक वक्खरी पहचान बनाई है जो इस हिंद हकूमत दे कदे रास नहीं आई है। ते आओ अज तुहाडे नाल सांझी करदे हां एक हिंदू वीर दी अजिही वीडियो जो अपनियां भावनावां व्यक्त कर रहा है, जो कह रहा है कि मैं हिंदू हाँ पर मैनूं इस गल दा बड़ा अफसोस है। आखिर क्यों अफसोस है, तुसीं आप सुनो। लो जी, सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लाइव होए हैं, लाइव होने का कारण है, मकसद है, थोनू पता इदा लाइव नहीं होया जाता अपने तो। अज का मेरा विषय लाइव होने का सिखी, यानी मैं ग्रैंड सल्यूट करदा सिखी नू, सिख धर्म नू। उहदे पिछे भी कोई कारण है, कोई लॉजिक है। सिख धर्म अजिहा धर्म है जिथे रह के जिंदगी नू एक किक मिलती है, किक भाव शांति सुकून। धर्म होर भी बहुत आ, मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, मैं खुद हिंदू हाँ, पर जो सिख धर्म विच रह के जीवन का मजा आउंदा वो होर धर्म च नहीं आउंदा। ये धर्म च पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी तो लैके दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी की बड़ी कृपा रही है। सरकारां दे मुताबिक 2% आबादी है केवल सिखां दी, केवल 2% सरकारां मुताबिक, ते कम 98% सिख करदे आ, सच्चाई वाले जमीर वाले ह्यूमन बीइंग। मेरी निगाह च सारों वधिया धर्म सिख धर्म, वाकई इन्हां ते महाराज की बड़ी कृपा। जदों भी अपने देश कदे संकट आया, देश छड्डो, पंजाब छड्डो, पर्टिकुलर थां नूं छड्डो, संसार विच भी जे कोई संकट आया, एग्जाम्पलां थोड़े कोले भी बहुत आ, पढ़े लिखे हो, मेरे कोले भी बहुत आ। लास्ट टाइम सीरिया च अतवादियों ने लगभग 1000 बच्चा जिन्हां दी उम्र 0 to 5 साल सी उन्हां नूं शरेआम कतलेआम करता। नेपाल च भूचाल आए, भूटान च भूचाल आए, आई डी जो गलबात चल रही है जिवें केरला, यार होर भी धर्म दे लोग आ, सिख धर्म ही हर वारी क्यों अगे आउंदा, सिख धर्म का ही क्यों हर वारी जमीर जागदा कि अज मैं जाना ते आपदे वाहिगुरु की दित्ती हुई दात दा, उना दी किरपा दे नाल मिली हुई सिखी दा फर्ज अदा करना, उना दे लू कंडा क्यों खड़ा हुंदा। होर भी यार बड़े धर्म है, साडे क्यों नहीं हुंदा। मैनू इस गल दा ही बड़ा दुख है कि काश मैं भी सिख धर्म च पैदा होया हुंदा ते आपदे वाहिगुरु लई कुछ ना कुछ तो यार योगदान पाउंदा आपदे काम कारां च, लोकां दे कम्मां कारां च। मैनू बड़ी खुशी हुंदी, मैनू भी किक मिलदी कि मैं भी अज ह्यूमन बीइंग दे नाते
आ कुछ करता। सिख जिथे भी मुसीबत आई है, जिथे भी कोई रुकावट आई है, भावें वह स्कूल होवे, भावें हस्पताल होवे, भावें बीमारी होवे, भावें जहमत होवे, भावें अपनी कौम की गल होवे, ये धर्म एहो जा इकट्ठ मरन लगा डरदा नहीं। ताई तां वड्डे वड्डे लोग सिखां नूं जिन्हां दी सरकार कहिंदी वी 2% आबादी आ, इन्हां नूं सल्यूट मारदी आ, इन्हां दे कम्मां नूं जाणदी आ, लोकां च इन्हां दा नां। सो वीरो मैं ये नहीं कहिंदा वी सिख धर्म ही तुसीं हो, सिख धर्म विच ही आपां विचरदे हां, मैं भी हिंदू हाँ, अपने मना च इन्ना क जमीर, अपने सिस्टम च, अपने दिमाग च, अपने जहन च इन्ना क जमीर पैदा करो कि थोड़े विच भी वह जमीर जागे कि हर मुसीबत बंदा बंदे का साथ देवे। ताई आपां किसी धर्म के शगिरदां। सो अज का मेरा विशा इन्ना ही है, चंगा लग्या तो ठीक है, शेयर करनू नहीं मैं किसी नूं कहना, चंगी गल नूं शेयर करनू कह जावे तो ये भी गल गलत है। किसी नूं चंगा लगा आपे कर दू, ना चंगा लगा वीर कोई गल नहीं डिलीट कर दू। बैठे हैं एक बार फिर ग्रैंड सल्यूट मेरा सिख कौम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे संत जरनैल सिंह जी पिंडरां वाले कहा करते सन कि जो भी इंसान जिस भी धर्म दे विच है, चाहे वह हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बोधी है, जैनी है, उन्हां नूं अपने धर्म विच परपक्क होना चाहिदा है, पक्का होना चाहिदा है, ताही वह असल कौमी कहलांदा है। असीं कदे किसे धर्म किसे वर्ग नूं नहीं कहिंदे, नहीं उकसांदे कि वह अपना धर्म त्यागण ते दूसरे धर्म विच आण या साडे धर्म विच आण। पर हाँ, जेकर कोई किसे धर्म दे विच चंगियां कोई खूबियां वेखदा है ते अपना धर्म त्याग के दूसरा धर्म अपनांदा है, तो फिर उस बाबत सानू जरूर सोचना चाहिदा है कि आखिर साडे धर्म विच अजिहियां केड़ियां कमियां ने ते दूजे धर्म विच अजिहियां केड़ियां चंगियाईयां ने जिस दे करके साडे अपने धर्मी लोग साडे तों दूर जा रहे ने। ते जेकर सिख कौम दी गल कीती जावे तां अजकल सिख कौम दे विच वी अधर्म फैलाण वाले कुछ अजिहे अखौती प्रचारक घुसपैठ कर चुके ने जो कौम नूं गुर्राहे पाण दी दिन रात कोशिश कर रहे ने, गलत प्रचार प्रसार कर रहे ने। इस लई सिख कौम दा अपना फर्ज बनदा है कि असीं अपने बच्चियां नूं अपने मूल नाल जोड़ के रखिए, अजिहे गलत प्रचार प्रसार तों दूर रखिए, मनमत प्रचारण वालियां तों दूर रखिए, ते हमेशा गुरु दी बाणी दा आप भी सिमरन करिए अते बच्चियां नूं भी जाप कराइए ते असल गुरबाणी दी परिभाषा उन्हां नूं समझाइए। तो इस सब इस मसले ते की सोचते हो, अपने विचार नीचे कमेंट्स दे विच जरूर देना। वीडियो चंगी लगी होवे लाइक ते शेयर भी जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिख धर्म दी हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुणे सबसक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, अते नोटिफिकेशंस वास्ते बैल नूं रिंग करो। लो जी, सब तो पहला वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लाइव होए हैं, लाइव होने का कारण है, मकसद है, थोनू पता इदा लाइव नहीं होया जाता अपने तो। अज का मेरा विषय लाइव होने का सिख, यानी मैं ग्रैंड सल्यूट करदा सिखी नूं, सिख धर्म नूं। उहदे पिछे भी कोई कारण है, कोई लॉजिक है। सिख धर्म अजिहा धर्म है जिथे रह के जिंदगी नूं एक किक मिलती है, किक भाव शांति सुकून। धर्म होर भी बहुत आ, मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, मैं खुद हिंदू हाँ, पर जो सिख धर्म विच रह के जीवन का मजा आता वो होर धर्म च नहीं आता। ये धर्म च पहले पातशाह श्री गुरु नानक देव जी तो लैके दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी की बड़ी कृपा रही है। सरकारां दे मुताबिक 2% आबादी है केवल सिखां दी,
केवल 2% सरकारां मुताबक ते कम 98% सिख करदे आ। सच्चाई वाले जमीर वाले ह्यूमन बीइंग मेरी निगाह च सारों वधिया धर्म सिख धर्म।